मैंने इनसे एक दरख्वास्त की कि मेरा एक छोटा सा काम करने और पैसे ले लें, तो इन्होंने क्या कहा जरा इनकी जुबानी। मैं बोला मैं दूसरी कोई आदमी होता तो ले सकता था, लेकिन कोई पाकिस्तानी से कोई एक भी पैसा मैं ले नहीं आप सकता। इंडिया से? मैं इंडिया से हूँ। तो क्यों इसकी इतनी मोहब्बत, क्या क्या इसकी? क्योंकि देखिए मैं जब आया था इधर में, तो इधर में जब मेलबोर्न में आया था, मैं एक साल पीएचडी किया तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं था। तो एक पाकिस्तानी भाई ने मेरे पास बैठा हुआ था, रिसर्च करते थे, उन्होंने हमको नौकरी दिलाया। तो उस सिलसिले से शुरू हुआ मेरा नौकरी, और उसका बदलत मेरा मास्टर भाई रिसर्च में किया, मैं पीएचडी का आधा खत्म किया। और उस जगह से नौकरी छूटने के बाद नबीला जी बोलकर और एक जन पाकिस्तान में था, वो भी हमको सेकंड नौकरी दिया। और जो भी नौकरी मिलता है अभी उन लोग का बदलत मैं यहाँ भी पाकिस्तानी वहाँ ये तो देखिए शुक्र गुजर हूँ। इसे ये पैसा से तुला नहीं जाता। मैं आज जो भी हूँ, मेरा जो सपना है, मेरा जो घर बसाया, सब कुछ वो एक पाकिस्तानी के लिए मैं बैठा हूँ। तो मैं इसीलिए मैं किसी से एक पैसा कभी भी जिंदगी में कोई पाकिस्तानी से नहीं लूंगा। ये हमारे भाई हैं, देखे इनको मैंने भी ऑफर की, आप मेरे से पैसे लें जो माकूल पैसे बनते हैं, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। और ये चीज हमें देखनी चाहिए कि हमें अपने देश में भी प्यार और मोहब्बत से इसी तरह रहना चाहिए कि यहाँ पर देखें मैं पाकिस्तान से, ये इंडिया से हैं, हमारे जो काम पड़ते हैं एक दूसरे से, तो इनकी मोहब्बत देखें। एक पाकिस्तानी ने इनकी मदद की, आज एक इंडियन मेरी मदद कर रहा है, कल एक पाकिस्तानी किसी और इंडियन को, ये चिराग से चिराग जलता है। इंसान है आखिर में हम लोग, और हम सब लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये मोहब्बत और इसका पैगाम देना चाहिए। तो देखने सुनने वालों को सबको ये पैगाम होगा कि आप किसी की जात ना देखें, किसी का मजहब ना देखें, इंसानियत को सबसे पहले देखें। सच्ची में यही बात है। जो मैं हेल्प मिला, मैं जो उन लोग का अभी भी जब देखा होता है मेरा रिसर्च में, पहले मास्टर भाई रिसर्च में उनको मैं जब रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, ग्रेटिट्यूड देना पड़ता है, तो मैं पहले उनका नाम लिखा हुआ था, जय नबीला जी एंड तौसीफ भाई, ग्रेटफुल। हम आपका नाम भी लिखा।